हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इनविंसिबल। सो जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरे पास है कंसिस्टेंट का 1 TB का डेस्कटॉप वाला, यानी 3.5 इंच का इंटरनल हार्ड डिस्क। ये आपको डिफरेंट प्राइस पे डिफरेंट साइट्स पे मिलेंगी, इसलिए मैं प्राइस कोट नहीं कर रहा हूँ। तो देखते हैं इसके अंदर क्या रहता है और फिर इसको टेस्ट भी करेंगे। ये प्लास्टिक रैप मैंने निकाल दिया है, अब देखते हैं क्या है अंदर में। सो ये प्रोटेक्शन के लिए, एंड एज यू कैन सी कि रैप है पूरी तरीके से, और फर्स्ट टाइम ओपनिंग बिकॉज ऐसा स्टिक हो जा रहा है। तो ये है आपका हार्ड डिस्क 1 TB 3.5 इंच कंसिस्टेंट। एज यू कैन सी 2 साल की वारंटी है, सीरियल नंबर है, बिल भी दिया है उसने, और कुछ इस तरीके से दिखता है। इसको लगाएंगे डेस्कटॉप में और चेक करेंगे कि फंक्शनल है कि नहीं, कितना कॉपी पेस्ट स्पीड देता है। ये वैसे 7200 मतलब 7200 या 7200 RPM का हार्ड डिस्क है, तो रेवोल्यूशन पर मिनट 7200 7200। तो अब आगे लगाएंगे इसको और टेस्ट करेंगे। तो मैंने हार्ड ड्राइव को या हार्ड डिस्क को अपने सिस्टम से कनेक्ट कर लिया है और देखते हैं कि शो कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर जो डिस्क ज़ीरो है, वही आपका जो कंसिस्टेंट का CT 3001 SC, जो कि आपका जैसा देख सकते हैं यहाँ पे कैपेसिटी नीचे में 1 TB की, मतलब 932 GB आपको इसमें मिलता है। और तो इसको टेस्ट करते हैं। टेस्ट करने के लिए पहले बेंचमार्क टेस्ट करेंगे और कॉपी पेस्ट भी टेस्ट करेंगे। तो बेंचमार्क को स्किप करते हैं क्योंकि उससे कोई, इसमें हार्ड डिस्क में बेंचमार्क और जो रियल स्पीड होता है वो सेम ही रहता है। तो मैं क्या करूँगा कि एक फ़ाइल लूँगा, ये एक फ़ाइल लेते हैं, 10 GB की फ़ाइल है। इसको कॉपी करेंगे हम इस हार्ड डिस्क में और देखेंगे कितना स्पीड मिलता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक 7200 RPM का है, इसलिए हमें कांस्टेंट अराउंड 150-140 स्पीड मिल रहा है, जो कि 5200 RPM से काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि 5200 RPM वाले हार्ड डिस्क में आपको 100 MBPS का ही स्पीड मिलता है। यहाँ पर कुछ एरर आगे, सॉरी, ये मिनिमाइज हो गया था। तो ये एक कंसिस्टेंट स्पीड मिल रहा है। कई SSDs ऐसे आते हैं जो 3000-5000 रुपये में आपको मिलेंगे और सिमिलर स्पीड आपको देंगे, तो उससे अच्छा कि ये 2200 रुपये का 1 TB का हार्ड डिस्क ही ले लें, क्योंकि 5000 रुपये में SSD खरीदोगे आप और सेम परफॉर्मेंस आपको मिलेगा, उससे अच्छा 7200 या 7200 RPM का हार्ड डिस्क लेना ही बेटर मेरे को लगता है।
सो इट इज़ अप टू यू दैट वॉट यू थिंक. इफ़ अगर आपको प्राइमरी ये सेकेंडरी ड्राइव के तौर पे यूज़ कर सकते हैं आप, जैसे कि फ़ोटो स्टोर करना हो और कुछ स्टोर करना हो, एप्लीकेशन स्टोर करना हो, ना कि इसको बूटेबल ड्राइव के तौर पे यूज़ करना आज के डेट पे सही नहीं है, क्योंकि SSDs जो हैं बहुत बेटर परफॉर्मेंस देती हैं बूटेबल ड्राइव बनाना हो तो मैं रेकमेंड करूँगा कि आप अपना सी ड्राइव या बूटेबल ड्राइव जिसको बनाना चाहें, जिस पे आप अपना OS इंस्टॉल कर रहे हैं, वो आप SSD ही रखें, चाहे सेटा 2.5 रखें, सेटा 2.5 SSD रखें या NVMe रखें. तो जेन 3 जेन 4 NVMe आपके ऊपर डिपेंड करता है. तो ये सेकेंडरी स्टोरेज के लिहाज से ठीक है. सो इतना ही. थैंक यू फॉर वॉचिंग दी वीडियो. प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल.